9th स्टैंडर्ड साइंस 12th चैप्टर स्टडी ऑफ साउंड सेकेंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग पेज नंबर 132 से कंटिन्यू कर रहे हैं. सो इको, व्हाट इज एन इको? यू मस्ट हैव विजिटेड एन इको पॉइंट एट अ हिल स्टेशन. हिल स्टेशन पे इको पॉइंट्स होते हैं, वहाँ जाकर आप किसी का नाम पुकारोगे या कुछ भी आप आवाज़ से जोर से कहोगे, चिल्लाओगे, तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस आपको सुनाई देता. कुछ देर बाद आपको अपनी आवाज़ जो भी आपने कहा है वो वापस सुनाई देता है. दिस इज कॉल्ड इको. इफ यू शाउट लाउडली एट सच अ पॉइंट यू हियर द सेम साउंड जस्ट आफ्टर अ लिटिल व्हाइल, दिस साउंड इज कॉल्ड एन इको. हिल स्टेशन पे इको पॉइंट्स होते हैं, वहां पे जाके आप जोर से चिल्लाओगे तो थोड़ी देर के बाद वो आवाज वापस तुम्हें सुनाई देगी. इसे कहते हैं इको. एन इको इज द रेपिटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय सम सरफेस. इको होता क्या है? रेपिटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड. ओरिजिनल साउंड रिपीट होता है बार बार रिफ्लेक्ट होकर. ओरिजिनल साउंड रिपीट होता है रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है, फ्रॉम सरफेस, सम सरफेस. तो ये इको का अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन. इको होता क्या है? एन इको इज द रेपिटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड. इको क्या है? ओरिजिनल साउंड का रिपीट होना बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. क्यों रिपीट होना? रिफ्लेक्शन की वजह से बाय सम सरफेस. दिस इज कॉल्ड इको. तो यू ऑल कैन राइट दिस इन डेफिनेशन ऑल्सो. डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं. इन ऑर्डर टू बी एबल टू हियर द ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग डिस्टेंस एंड इट्स रिफ्लेक्टिंग डिस्टिंक्टली एट 22 डिग्री सेल्सियस व्हाट मस्ट बी द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेज एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस. एट 22 डिग्री सेल्सियस द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 344 मीटर पर सेकेंड. देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अगर 22 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपको अपनी आवाज का इको सुनना है तो कितनी दूरी होना चाहिए, ठीक है, कितनी दूरी होना चाहिए ऑब्जर्वर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस में. देखो ऑब्जर्वर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये जिसने साउंड किया, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. अगर साउंड रिफ्लेक्ट होके इको क्या है? साउंड जाता है रिफ्लेक्ट होके वापस आता है, ठीक है. हर सरफेस से साउंड रिफ्लेक्ट होता है, मतलब इस वक्त मैं जो रूम में बैठा हूँ वहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा होगा. हाँ हो रहा होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे इको सुनाई नहीं दे रहा है. आप अपने घर में जोर से चिल्लाते हो, जब कोई इंसान अपने घर में जोर से चिल्लाता है तो उसके घरों की दीवार से साउंड रिफ्लेक्ट होता है, बट इको सुनाई नहीं देता. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है. घर की दीवारों का हमारे से डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं होता, तो इसके लिए आवाज़ तो रिफ्लेक्ट होती है लेकिन हमारे जो ओरिजिनल साउंड है और रिफ्लेक्टेड साउंड है वो मिक्स हो जाते हैं, तो पता नहीं चलता है कि इको हुआ है. लेकिन अगर डिस्टेंस 17.2 मीटर से ज़्यादा हो, डिस्टेंस अगर 17.2 मीटर से ज़्यादा होगा तो इको क्लियर सुनाई देगा. मतलब अगर तुमने चिल्लाया जोर से अपने घर में और तुम्हारे घर की दीवार तुमसे 17.2 मीटर से ज़्यादा की दूरी पे है, 17.2 या उससे ज़्यादा दूर है, तो थोड़ी देर के बाद रिफ्लेक्शन सुनाई देगा और उसको हम पहचान सकते इको है. वरना ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड मिक्स हो जाएगा और इको पता नहीं चलेगा, ठीक है. जैसे मैं अभी मेरे घर में कुछ जोर से अभी बोल रहा हूँ, ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे उसका इको सुनाई नहीं दे रहा है. लेकिन अगर मेरे घर की दीवारें 17.2 मीटर या उससे ज़्यादा दूरी रहती, गैप रहता मेरे बीच में और घर की किसी भी दीवार के बीच में 17.2 मीटर या उससे ज़्यादा का गैप होता तो मुझे मेरी आवाज़ का इको सुनाई देता. ऑलराइट. अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है. देखो मैंने बता दिया इको क्या है और उसके लिए कंडीशन क्या है. कंडीशन बहुत सिंपल है, यहाँ पे दिया है कंडीशन. अगर इको क्लियर सुनना है तो 17.2 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन अ ऑब्जर्वर एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और सामने वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके बीच में 17.2 से ज़्यादा की दूरी होना चाहिए तो ही इको सुनाई देगा, वरना इको सुनाई नहीं देगा, ठीक है. इको होगा बट सुनाई नहीं देगा क्योंकि ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टिंग साउंड मिक्स हो जाता है. इको होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है,
जो साउंड रिफ्लेक्ट होके रिपीट होता है, ओरिजिनल साउंड जब रिफ्लेक्ट होके वापस आता है तो उसे हम इको कहते हैं, उसे हम इको कहते हैं। तो अगर इको सुनना है तो ये डिस्टेंस 17.2 मीटर या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, 17.2 या उससे ज़्यादा, ठीक है, तो ही इको समझ में आएगा। अगर इससे कम डिस्टेंस है तो आवाज़ रिफ्लेक्ट होके आएगी, ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड में फर्क नहीं पता चलेगा, डिफरेंस नहीं मालूम पड़ेगा, दोनों ऑलमोस्ट साथ में रहेंगे। आगे, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 22 डिग्री सेल्सियस पे अगर इको सुनना है तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो 22 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड होती है 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और आप ब्रेन रिटेन्स अ साउंड ऑफ 0.1 सेकेंड, और हमारे दिमाग में जो साउंड रुकता है वो 0.1 सेकेंड के लिए रह जाता है। मैंने कुछ कहा वो मेरे ब्रेन में 0.1 सेकेंड के लिए बाकी रहेगा, रिटेन रहेगा, ठीक है। थस फॉर अस टू एबल टू हियर द डिस्टिंक्ट इको द साउंड शुड हैव मोर देन 0.1 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्सेस टू गेट रिफ्लेक्टेड एंड कम बैक टू अस। इसके लिए अगर इको सुनना है तो 0.1 सेकेंड के बाद, मतलब 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए, 0.1 सेकेंड गुजरने के बाद अगर रिफ्लेक्टिंग साउंड आता है तो हमें पता चलेगा, हम पहचान पाएंगे कि ये इको है, वरना ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टिंग साउंड मिक्स हो जाएगा। 0.1 सेकेंड तक बाकी रहता है, हमने जो भी सुना वो हमारे ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक रहता है, तो उसी में रिफ्लेक्टेड साउंड आ गया तो मिक्स हो जाएगा और पता नहीं चलेगा कि इको हुआ, लेकिन रिफ्लेक्शन सब जगह होता है, लेकिन इको सुनना है तो 17.2 मीटर या उससे ज़्यादा का डिस्टेंस रहेगा, तो रिफ्लेक्टिंग साउंड रिफ्लेक्ट होकर आने में 0.1 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगेगा। सपोज 0.2 सेकेंड में रिफ्लेक्ट होकर आया तो हमें इको सुनाई देगा, हमें हम पहचान सकते हैं हाँ इको हुआ। मतलब मैंने कहा इको सब जगह होता है बट रिफ्लेक्शन सब जगह होता है, बट इको उसको कहते हैं जो ओरिजिनल साउंड से अलग से सुनाई दे, तो 0.1 सेकेंड से लेट आएगा साउंड रिफ्लेक्ट होकर तो हम समझ जाएंगे हाँ इको हुआ है, इको क्लियर है, तो उसके लिए डिस्टेंस शुड बी 17.2 मीटर और अबाव। आगे, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स टू गेट रिफ्लेक्ट वन कम बैक टू अस, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स टू गेट रिफ्लेक्टेड एंड कम बैक टू अस, ठीक है, 0.1 सेकेंड का से ज्यादा का टाइम चाहिए साउंड को रिफ्लेक्ट होके वापस आने में। थस वी कैन डिटरमाइन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस एज फॉलोज। तो एक छोटा सा कैलकुलेशन करके हम पहचान सकते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम, ये फॉर्मूला सुना होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम को क्रॉस करके स्पीड के पास भेजा है तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ स्पीड से, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 344, टाइम है 0.1, 344 इंटू 0.1 34.4, राइट। Thus, to be able to hear a distinct echo, the reflecting surface should be at a minimum distance of half of the above, that is 7.2. 34.4 मीटर होना चाहिए रिफ्लेक्ट होके वापस आने में, जाकर और रिफ्लेक्ट होके वापस आने में, गया और रिफ्लेक्ट होके वापस आया, साउंड गया रिफ्लेक्ट होके वापस आया, इसका टोटल डिस्टेंस होना चाहिए 34.4, तो जाने कितना 17.2, आने कितना 17.2 डिस्टेंस, इसके लिए 7.2। एज द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एयर, दिस डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, साउंड की वेलोसिटी टेम्परेचर पे निर्भर है, इसके लिए ये डिस्टेंस भी टेम्परेचर पे निर्भर है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ये ऐसा कोई केव वगैरह में हम जाते हैं, जब हम लोग बड़े केव या डोम वाली चीज़ों में जाते हैं वहाँ पे जाके, वहाँ पे आप खड़े रह के, यहाँ से खड़े रह के आप चिल्लाओगे जब, तो डोम से आवाज़ रिफ्लेक्ट होके आपके कानों पर आएगी, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्ट होके आना होता है ये 17 मीटर से ज़्यादा का दूरी हो जाती है, मतलब टाइम साउंड को 0.1 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगता है टकरा कर वापस आने में, तो इको क्लियरली सुनाई देता है। ऑलराइट, मैंने कहा मैं जिस रूम में अभी पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर भी रिपीटिशन, वहाँ पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है साउंड, वॉल है लेकिन मेरे से जो मेरे घर की दीवारें हैं वो 17 मीटर जितनी दूर नहीं, हार्डली 2-3 मीटर दूर है, तो 3 मीटर से रिफ्लेक्शन हो रहा है बट इको क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि रिफ्लेक्ट होके आने में साउंड को 0.1 सेकेंड से कम टाइम लग रहा है और ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टिंग साउंड मिक्स हो रहा है, इसके लिए मैं इको नहीं बता पा रहा हूँ, मतलब इको नहीं सुन पा रहा हूँ अपने रूम में। सेम केस तुम अपने बारे में समझ सकते हो।
To hear the echo distinctly, will the distance from the source of the sound to the reflecting surface be same at all temperature? Explain your answer. तो इसका आंसर है नो. अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग डिस्टेंस चाहिए. ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है 22, ये एवरेज दिया है 22 डिग्री सेल्सियस के लिए 17.2. ऑलराइट, वैसे अलग अलग टेम्परेचर, क्योंकि साउंड जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा साउंड की स्पीड, पीछे हमने देखा था, देखो जैसा जैसा टेम्परेचर चेंज होगा साउंड की स्पीड भी चेंज होगी. ठीक है, तो इसके लिए नहीं. When is the reflecting of sound harmful? Sound का reflection कब harmful होता है? ठीक है, जब multiple reflection हो और sound amplify हो जाएगा तो उसका reflection harmful हो जाएगा. जब sound reflect होके, बहुत ज़्यादा reflect होके, उसका बोलते हैं ना, उसका वो double triple double बहुत value बढ़ जाएगा तो वो harmful हो सकता है. ठीक है, यानी multiple echo harmful हो सकता है. Next, फिर ये देखो साउंड का यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन. ठीक है, बट अलग अलग एंगल से हो रहा है. देखो यहाँ पे डायग्राम है, इजीली समझ सकते हैं साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है. ये स्पीकर है, ये ऑब्जर्वर है. ठीक है, ये जो भी बोल रहा है वो डायरेक्ट भी जा रहा है और वो जाकर पीछे वाली वॉल से रिफ्लेक्ट होकर भी आ रहा है, और वो यहाँ से भी साउंड जाके रिफ्लेक्ट होके ये वॉल से रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर तक जा रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर ऑब्जर्वर तक जा रहा है. देख सकते हो कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है. एक ही साउंड कहीं जगह पर रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर तक पहुँच रहा है. एक ही साउंड जब वो साउंड स्पीक हो रहा है तो वो साउंड अलग अलग डायरेक्शन में प्रोड्यूस होके मल्टीपल प्लेसेस पे, बहुत सारी जगहों पर रिफ्लेक्ट हो रहा है. इधर तो कुछ ही ड्रॉ की और भी ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, ऑब्जर्वर तक पहुँच रहा है तो ऑब्जर्वर को क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है कि ये स्पीकर क्या कह रहा है. क्यों सुनाई नहीं दे रहा है? क्योंकि डायरेक्ट साउंड तो आ रहा है. ठीक है, बट बहुत सारा साउंड रिफ्लेक्ट होके, बहुत सारा साउंड यहाँ वहाँ रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, तो इसके लिए गूंज बन जा रही, गूंज, रिवर्बरेशन कहते हैं जिसे, रिवर्बरेशन. ठीक है, रिवर्बरेशन मतलब आवाज़ की गूंज, जो मेन आवाज़ है वो गूंजने लग गई. ठीक है, और क्या बोला स्पीकर ने समझ में नहीं आया. यही होता है थिएटर में, थिएटर में कुछ कॉर्नर की सीट्स रहती है ऐसी जहाँ पे पूरे थिएटर के वॉल से रिफ्लेक्ट होके साउंड एक साथ आती है, और जो भी वो वहाँ पे बैठा रहता है पर्सन, उसको आवाज़ क्लियरली सुनाई नहीं देती. मतलब उसको साउंड समझ में नहीं आता है कि डायलॉग क्या बोला गया. ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन. रिवर्बरेशन मतलब गूंजना आवाज़ का मल्टीपल जगहों पर रिफ्लेक्ट होकर, मतलब मल्टीपल जगहों से रिफ्लेक्ट होके आवाज़ की गूंज बन जाना और समझ में नहीं आना कि क्या प्रॉपर वॉइस, क्या चीज है वो, प्रॉपर साउंड क्या है, दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन. तो लेट्स सी, साउंड वेव गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल ऑफ द रूफ ऑफ अ रूम मल्टीपल टाइम्स. घर की दीवारों से और छत से आवाज रिफ्लेक्ट होती है बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स. दिस कॉजेज अ सिंगल साउंड टू बी हर्ड नॉट वंस बट कंटिन्यूसली. इसकी वजह से सिंगल साउंड एक बार नहीं बल्कि लगातार सुनाई देता है. This is called reverberation. इसको कहते हैं reverberation. Echo अलग है, reverberation अलग है. Echo, echo मतलब एक जगह से साउंड रिफ्लेक्ट होकर आया, या कहीं दो तीन जगहों से आया, बट that is गूंज नहीं बन रहा है, क्लियर सुनाई दे रहा है. अगर डिस्टेंस 17 मीटर या उससे ज्यादा है तो echo सेपरेट सुनाई देगा, बट reverberation क्या हो रहा है, बहुत सारा साउंड एक साथ, एक ही चीज है बट वो बहुत बार सुनाई दे रहा है एक साथ, और इसकी वजह से बोला क्या जा रहा है वो क्लियरली सुनाई नहीं देगा. दिस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन. गूंजने लग जाएगी आवाज, तो रिवर्बरेशन को हिंदी में गूंज कहते हैं. द टाइम बिटवीन सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर साउंड वेव रीचिंग अस बिकॉज स्मॉलर बिकम स्मॉलर एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड गेट मिक्सड अप एंड प्रोड्यूस अ कंटिन्यूस साउंड ऑफ इंक्रीजिंग लाउडनेस विच कैनॉट बी डेसिफर्ड क्लियरली. ठीक है, क्या हो रहा है, ओरिजिनल साउंड आ रहा है. ठीक है, और उसके साथ साथ बहुत जगह से रिफ्लेक्टेड साउंड आ रहा है, और सब साउंड एक दूसरे में मिक्स हो जा रहा है. ठीक है, और एक कंटिन्यूस साउंड बन रहा है, उसकी वजह से कंटिन्यूस साउंड बन रहा है. सब साउंड मिक्स हो रहा है, ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड मिक्स होकर एक कंटिन्यूस लाउडनेस बन रहा है, और उसकी आवाज़ कंटिन्यूस साउंड बन रहा है जिसकी आवाज़ कंटिन्यूस लाउड होते जा रही है. ठीक है,
और ये मतलब उसको अच्छे से पहचाना नहीं, सुना नहीं जा सकता. डेसिफर्ड मतलब अंडरस्टूड, विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड क्लियरली. दिस इज द रीजन वाई सम ऑडिटोरियम और सम पर्टिकुलर सीट्स इन ऑडिटोरियम हैव इंफीरियर एंड साउंड इंफीरियर साउंड रिसेप्शन. इसके लिए जो ऑडिटोरियम हॉल होता है, जो प्रोग्राम्स वगैरह के हॉल्स होते हैं, उसमें कुछ सीटें, ठीक है, या कुछ ऐसे ऑडिटोरियम रहते हैं जहाँ पे साउंड की क्वालिटी बहुत इन्फीरियर होती है, साउंड का रिसेप्शन बहुत लो क्वालिटी का रहता है. मतलब स्टेज से क्या बोला जा रहा है, वो वहाँ पे जो बैठे हुए दर्शक है, जो ऑडियंस है, जो भी लोग पवेलियन में मतलब ऑडियंस में बैठे हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या बोला गया. ठीक है, ये सब होता है गूंज की वजह से, रिवर्बरेशन. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साउंड चैप्टर का, दैट इज सोनार. सोनार, ठीक है, सोनार मतलब यहाँ पे दिया साउंड नेविगेशन रेंजिंग. ठीक है, साउंड एसओ साउंड नेविगेशन एंड एनए नेविगेशन आर रेंजिंग. एसओ साउंड एनए नेविगेशन आर रेंजिंग. तो सोनार क्या है, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. ठीक है, NAR है नेविगेशन एंड रेंजिंग, SO फॉर साउंड. तो याद रखो SO साउंड के लिए, SO साउंड, N नेविगेशन A, N नेविगेशन A एंड R रेंजिंग. SONAR सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है. ठीक है, अब ये क्या है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. देखो बड़े बड़े शिप्स जो रहते हैं, ये इनके नीचे ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा रहता है. शिप्स के नीचे ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा रहता है. ऑलराइट, थोड़ा अनज़ूम कर लूँ ताकि पूरा पिक्चर एक ना जाए. ट्रांसमीटर के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है और वो सी बैट से रिफ्लेक्ट होके वापस आता है और रिसीवर उसको कलेक्ट करता है. जितना टाइम लगा साउंड को रिफ्लेक्ट होके वापस आने में, उससे अंदाज़ा लगाया जाता है शिप में उससे अंदाजा लगाया जाता है कि सी बेड कितना नीचे है, समुद्र का तल कितना नीचे है. या अगर कोई सपोज यहाँ पे ऐसा कोई रॉक आ गया, रॉक, ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई रॉक है, चट्टान है, तो जब शिप यहाँ पहुंचेगी तो साउंड रिफ्लेक्ट होकर जल्दी वापस आएगा. साउंड रिफ्लेक्ट होकर जल्दी वापस आएगा और शिप को पता चल जाएगा नीचे कोई ऊंची चट्टान है. ठीक है, सपोज ऐसी कोई बड़ी सी चट्टान है यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, तो जैसी शिप ये पॉइंट पे पहुँचेगा, रिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा, साउंड रिफ्लेक्ट होके तेजी से आने लगेगा, तो शिप को पता चल जाएगा कि वाटर के अंदर कोई सी रॉक है, समुद्र के पानी के नीचे कोई बड़ी सी चट्टान है, या बड़ा सा कुछ है, माउंटेन है. ठीक है, और शिप वहीं पे स्लो हो जाएगा, रुक जाएगा, अदरवाइज शिप जाके इसको क्रश कर सकता है, मतलब शिप जाकर उससे टकरा सकता है और टाइटैनिक वाला सीन हो सकता है. ठीक है, मतलब शिप को डैमेज हो जाएगा, शिप जाके टकराएगा तो शिप को कहीं पे भी डैमेज हो गया, पानी अंदर जाएगा, शिप डूब जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए क्या है, ये टेक्निक यूज करते हैं इन ऑल ऑलमोस्ट ऑल द शिप्स. ठीक है, जो नेवी वाले हैं वो ये टेक्निक यूज करते हैं. इससे समुद्र का कितना डेप्थ है ये पता चलते रहता है, या समुद्र के अंदर कोई रॉक माउंटेन. जैसा जैसा डेप्थ कम हो गया, डेप्थ जैसा कम होगा वैसा साउंड रिफ्लेक्ट होके जल्दी आने लगेगा और शिप को पता चल जाएगा कि मतलब शिप में जो भी है, एक्चुअली में सब मशीन्स लगी रहती है, हाथ से नहीं होता है, मशीन्स लगी रहती है और कंटिन्यूस डिस्टेंस कैलकुलेशन होता रहता है. कंटिन्यूस ट्रांसमीटर से वेव्स जाते हैं, साउंड वेव्स, और रिफ्लेक्ट होके रिसीवर पे कलेक्ट होते हैं. ट्रांसमीटर से जाते हैं, सी बैट से रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर से आते हैं, तो इससे कंटिन्यूस शिप को पता चलता है कि समुद्र का जो स्थल है, जो सी बैट है, वो कितना नीचे है. ठीक है, वो ऊपर आ गया, ऊपर होते जा रहा है, मीन्स जमीन नजदीक आ रही है. ठीक है, जितना वो ऊपर आ रहा है मतलब शिप को स्लो करना पड़ेगा, वरना स्पीड कम करनी पड़ेगी और फिर वहीं पे ही एंकर डालने पड़ेंगे, वरना शिप जाकर क्रैश हो सकता है. ठीक है, क्रैश हो सकता है, क्रैश. ऑलराइट, तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड सोनार. सोनार में क्या है, ट्रांसमीटर रिसीवर नाम के दो डिवाइस लगे हैं. ट्रांसमीटर से साउंड वाटर में प्रोड्यूस होता है और वो सी बेड से रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर में कलेक्ट हो जाता है.
इसका जो जाकर रिफ्लेक्ट होके आने में जो टाइम कैलकुलेशन होता है उससे डिस्टेंस पता चलता है कि सी और सी बेड में, समुद्र शिप और सी बेड में, सॉरी शिप और सी बेड में अभी कितना डिस्टेंस है, ठीक है। इससे पता चलता है सी शिप सॉरी शिप और सी बेड में कितना डिस्टेंस है। ऑलराइट, सो लेट्स सी। अब ये आंसर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, सोनार, ठीक है। सोनार, सोनार इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। इससे क्या पता कर सकते हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस एंड स्पीड विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की मदद से पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है या शिप, मतलब वो क्या स्पीड से है, कोई ऑब्जेक्ट है या मूव हो रहा है या बैठा हुआ है। जैसे देखो ये सुना होगा, पनटू भी कहते हैं सबमरीन, पानी के अंदर चलने वाली शिप बोट्स होती है, पानी के अंदर चलने वाली शिप्स और बोट्स होती है उसको सबमरीन कहते हैं, ठीक है। तो वो पानी के अंदर से चलती है, तो उसके नीचे का ऑब्जेक्ट या कोई बड़ी सी फिश है शिप के नीचे, तो ये भी पता चल जाएगी ड्यूब इसकी मदद से, ठीक है, सोनार की मदद से। तो पानी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड, वो कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है, और क्या डायरेक्शन में है, ये सब सोनार की मदद से पता चल सकता है यूजिंग अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शंस डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ अंडरवाटर ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। सोनार हैज ट्रांसमीटर एंड रिसीवर विच आर फिटेड ऑन द शिप और बोट। सोनार में ट्रांसमीटर और रिसीवर रहता है जो बोट के नीचे फिट होता है, शिप या बोट के नीचे लगा रहता है। द ट्रांसमीटर प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिट अल्ट्रासोनिक साउंड। ट्रांसमीटर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और ट्रांसमिट करता है, क्रिएट करता है और उसको आगे भेजता है, क्या, अल्ट्रासोनिक साउंड को, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को। दिस वेव्स ट्रेवल्स थ्रू द वाटर, स्ट्राइक द अंडर वाटर ऑब्जेक्ट एंड गेट रिफ्लेक्टेड बाय देम। ये नीचे जाकर ये वेव्स नीचे जाती है और पानी के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको उससे टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। द रिफ्लेक्टेड वेव आर रिसीव बाय द रिसीवर ऑन द शिप। और जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो कहाँ रिसीव होती है, बाय द रिफ्लेक्टर ऑन द, ऑलराइट। तो यहाँ पे तो एक इमेज में दिया है कि सी बेड से रिफ्लेक्ट होके आ रही, लेकिन अगर कोई फिश है या सबमरीन है तो वो उससे रिफ्लेक्ट होके आएगी। सपोज यहाँ कोई फिश है तो वो साउंड वेव उससे रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। अगर यहाँ पे कोई शिप है या वेल फिश है तो साउंड वेव्स उससे रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी, ठीक है। ट्रांसमीटर से जो प्रोड्यूस हुई रिफ्लेक्ट होके रिसीवर में आ जाएगी, तो पता चल जाएगा कोई ऑब्जेक्ट है पानी के अंदर। नेक्स्ट, समझ रही होगा, उम्मीद कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस रिफ्लेक्टेड वेव आर रिसीव्ड बाय द रिसीवर ऑन द शिप। द रिसीवर कन्वर्ट्स द अल्ट्रासोनिक साउंड इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एंड दिस सिग्नल्स आर प्रॉपरली इंटरप्रेटेड। जो रिसीवर अल्ट्रासोनिक साउंड को रिसीव करेगा उसको वो इलेक्ट्रिक, रिसीवर अल्ट्रासोनिक साउंड को रिसीव करके इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और फिर ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है इसको अच्छे से समझा जाता है, इसको इंटरप्रेट किया जाता है। द टाइम डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन इज नोटेड। और कितने टाइम में ट्रांसमिशन हुआ और कितने टाइम में रिसीव हुआ, मतलब कितना टाइम लगा रिफ्लेक्ट होकर वापस आने में साउंड वेव को, वो नोट किया जाता है। This time and the velocity of sound in water gives the distance from the ship. ये time और velocity को multiply करने पर क्या मिलता है, distance, ठीक है। ये time को speed से multiply करेंगे तो distance मिल जाता है कि जितना distance sound ने travel किया, cover किया, of the object which reflect the waves. Sonar is used to determine the depth of the sea. Sonar समुद्र की गहराई को मापने use होता है। सोनार इज ऑल्सो यूज टू सर्च अंडर वाटर हिल्स। पानी के अंदर जो चट्टाने हैं उसको भी ढूंढने यूज होता है। वैली, पानी के अंदर कोई खाई है, खाड़ी, ठीक है, गैप है, होल है, वो सब भी इससे मिलेगा। इसके अलावा सबमरीन्स यानी पनटूपी, पनटूपी कहते हैं जिसको पानी के अंदर चलने वाली बोट्स या शिप। फिर आइसबर्ग्स, पानी के अंदर जो बर्फ के बड़े बड़े चट्टान या पत्थर होते हैं। संकेन शिप्स, और कोई डूबा हुआ जहाज है, पानी के अंदर कोई डूबा हुआ जहाज है, वो भी इससे पता चल जाता है, एक्सेट्रा। तो ये यूजेस ऑफ सोनार है, ठीक है।
फुल फॉर्म ऑफ सोनार लिखना रहता है, डायग्राम बनाना रहता है, उसका वर्किंग यूजेज एंड उसका वर्किंग क्या, और ये लास्ट में यूजेस। तो कभी कभी एग्जाम में यूजेस पूछते हैं, जैसे अभी जो टेस्ट हो रहे हैं मॉक स्टाइल में, मतलब अभी जो एप्टीट्यूड टाइप के टेस्ट हो रहे हैं मॉक टेस्ट, तो उसमें ऐसे सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं कि सोनार का यूजेस क्या है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर करो, ठीक है, शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लेकिन ये सब करने से पहले शेयर ज़रूर कर दो बिकॉज ताकि हर स्टूडेंट्स तक पहुँच जाए, ठीक है, और जितना ज़्यादा व्यू होगा उतना फास्ट मैं वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू। नेक्स्ट पेज नंबर 134, सोनोग्राफी। सोनोग्राफी क्या है? सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी यूजेज अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स टू जनरेट इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गेन ऑफ ह्यूमन बॉडी, दिस इज यूजफुल। देखो, सोनोग्राफी एक टेक्नोलॉजी है जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव यूज करती है और बॉडी के अंदर के ऑब्जेक्ट का इमेज क्रिएट करती है, ठीक है, साउंड की मदद से ह्यूमन बॉडी के अंदर के ऑब्जेक्ट का इमेज क्रिएट, अंदर के जो ऑर्गेन है, बॉडी के अंदर जो ऑर्गेन है, किडनी है एक्सेट्रा, फोचूस है, फोचूस मीन्स न्यू बॉर्न बेबी, होने वाला बच्चा, फोचूस, ठीक है, उसका इमेज क्रिएट करती है सोनोग्राफी टेक्निक। दिस इज यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द कॉज ऑफ स्वेलिंग, इन्फेक्शन, पेन एक्सेट्रा। इसकी मदद से पता चलता है कि सूजन, अंदरूनी सूजन, स्टमक के अंदर कोई सूजन है या लीवर किडनी के अंदर कोई स्वेलिंग है, सूजन है, या अंदर बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है या दर्द है, उसका पता चलता है सोनोग्राफिक टेक्नोलॉजी से। दिस कंडीशन, द कंडीशन ऑफ हार्ट, द स्टेट ऑफ हार्ट आफ्टर हार्ट अटैक एज वेल, द ग्रोथ ऑफ फोचूस इनसाइड द वॉम्ब ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन आर स्टडीड यूजिंग दिस टेक्निक। हार्ट की कंडीशन और हार्ट का स्टेट, ठीक है, आफ्टर हार्ट अटैक, हार्ट अटैक आने पर हार्ट के दिल की जो कंडीशन है, ठीक है, वो, इसके अलावा माँ के वॉर्म में, माँ के स्टमक बोल सकते हैं, वॉर्म मतलब बच्चादानी बोलते हैं हिंदी में, मदर यूटेरस जिसमें बच्चा रहता है, वॉर्म, ठीक है, उसके अंदर जो फोचूस होता है, फोचूस मतलब माँ के स्टमक, मम्मी के पेट के अंदर जो बेबी होता है उसको फोचूस कहते हैं, ठीक है, अनबॉर्न बेबी को फोचूस कहते हैं, अनबॉर्न बेबी जो अभी पैदा नहीं हुआ है मम्मी के वॉर्म में, ठीक है, प्रेग्नेंट औरत के वॉर्म में जो बच्चा होता है उसे फोचूस कहते हैं। आर स्टडीड यूजिंग दिस टेक्निक, ये टेक्निक की मदद से उसको पढ़ा जा सकता है। तो ये सोनोग्राफिक मशीन दिख रहा है, ठीक है, कुछ जेल जैसा क्रीम लगाते हैं और ये डिवाइस को उसके ऊपर रोल करते हैं तो स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पर इमेज दिखाई देगा और वो इमेज ऐसा कुछ होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे किसी को किडनी स्टोन है तो सोनोग्राफिक मशीन से डिटेक्ट कर सकते हैं एक्सेट्रा। नेक्स्ट, थोड़ा जूम कर लूँ। द टेक्निक मेक यूज ऑफ अ प्रोब एंड अ जेल। तो ये प्रोब है, देखो ये हाथ में होल्ड किया हुआ है, ग्लव्स पहन के हाथ में प्रोब्स लिया हुआ, ये प्रोब है, प्रोब और स्टमक के ऊपर या बॉडी का जो पार्ट को सोनोग्राफिक मशीन में देखना है उस पर जेल लगाया जाता है, जेल। तो इसमें एक प्रोब और जेल यूज होता है। द जेल इज यूज टू मेक प्रॉपर कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्किन एंड द प्रोब सो दैट दी फुल कैपेसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड कैन बी यूटिलाइज। जेल क्यों लगाया जाता है? ताकि अच्छे से कॉन्टैक्ट किया जाए प्रोब को स्किन के साथ और अल्ट्रासाउंड की पूरी कैपेसिटी यूज की जाए। द जेल इज अप्लाइड टू द स्किन आउटसाइड द इंटरनल ऑर्गेन। जेल स्किन पे अप्लाई होता है बॉडी के बाहर, इंटरनल ऑर्गेन के बाहर, टू बी स्टडीड। हेंस फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड इज ट्रांसमिटेड इनसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ प्रोब। और प्रोब की मदद से अल्ट्रासोनिक साउंड बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है। द साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इंटरनल ऑर्गेन इज अगेन कलेक्टेड बाय द प्रोब। और जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है वो प्रोब में फिर से कलेक्ट होता है। प्रोब से अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होता है और बॉडी के इंटरनल पार्ट से, सपोज अंदर कोई पार्ट है तो यहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उससे जाके रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, ठीक है। इस प्रोब से प्रोड्यूस होकर जाता है और रिफ्लेक्ट होकर प्रोब में आता है, प्रोब में कलेक्ट होता है। ट्रांसमिटेड भी प्रोब से होता है, कलेक्ट भी प्रोब में होता है, ठीक है। सो साउंड प्रोब से ट्रांसमिट प्रोड्यूस होता है और फिर वापस प्रोब में ही कलेक्ट होता है, रिसीव भी प्रोब में होता है। एंड फेड अ कंप्यूटर विच जनरेट्स द इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गेन। और फिर वो सिग्नल्स को कंप्यूटर में डाला जाता है जिससे इमेज बनता है इंटरनल ऑर्गेन का। एज दिस मेथड इज प्लेनलेस, इट इज इंक्रीजिंगली यूज इन मेडिकल प्रैक्टिस फॉर करेक्ट डायग्नोसिस।
क्योंकि ये मेथड पेनलेस है। पेनलेस मतलब इसमें कोई दर्द नहीं होता, ये तरीका में कोई दर्द नहीं होता, इसके लिए ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है मेडिकल प्रैक्टिस में, ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए, अच्छे से डायग्नोसिस मतलब अच्छे से पता करने के लिए बीमारी का। राइट, नेक्स्ट कंप्लीट हो गया पेज नंबर 134। पेज नंबर 135 देखो, सोनार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने इसको ज़्यादा टाइम, मतलब एक एक चीज़ इसमें मैंने दो दो बार रिपीट की है ताकि वो अच्छे से समझ जाए और बाहट हो जाए। थोड़ा सा टफ भी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आता ही है 5 मार्क के लिए, और इको भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सोनोग्राफी भी इंपॉर्टेंट बोल सकता हूँ बट सोनार या इको जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन ह्यूमन ईयर, देखो ह्यूमन ईयर का लेबलिंग के लिए बहुत आता है, ह्यूमन ईयर लेबलिंग करने के लिए आता है बट उसके आंसर्स इतना नहीं आते हैं। फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि मत पढ़ो, मैं तो ये कहूँगा कि सब कुछ पढ़ना है, डोंट स्किप एनीथिंग। ठीक है, पहले से ही गवर्नमेंट ने कुछ कुछ फाइंड आउट और जो पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप के थे, ऑलवेज रिमेम्बर, ये सब कम कर दिया है, तो अब ये सब स्किप नहीं करना चाहिए। राइट, सो सब कुछ इंपॉर्टेंट है बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए तो सोनार और इको है। ह्यूमन ईयर, तो ह्यूमन ईयर ये हमारा कान है, ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल ईयर है जिसको हम पिन्ना कहते हैं, ये साइड है, ये हमारा बाहर का हिस्सा है कान का जिसको हम पिन्ना कहते हैं, और ये सब अंदर फिटेड है, ये सब हमारे स्कल के अंदर है। स्कल मतलब खोपड़ी, खोपड़ी के अंदर वाला हिस्सा ही है, और यहाँ से ब्रेन को अटैच हो रहा है एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल पार्ट है ईयर का, ये वाला, दिस इज कॉल्ड पिन्ना, ईयर पिन्ना, जो हमें बाहर दिखाई देता, हम टच कर सकते हैं, और ये पूरा इंटरनल पार्ट है ईयर का। ठीक है, तो क्या है देखते हैं, लेबलिंग बाद में देखेंगे। द ईयर इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ईयर इंसान के बॉडी का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेन है, ईयर ह्यूमन बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वी ईयर साउंड बिकॉज ऑफ अ ईयर, हमें आवाज हमारे कानों की वजह से सुनाई देती है। व्हेन साउंड वेव्स फॉल ऑन द ईयर ड्रम इट वाइब्रेट्स, जब आवाज हमारे ईयर ड्रम में पहुंचती है तो वो वाइब्रेट होने लगता है। तो लेट्स सी इधर ईयर ड्रम का है, देखो ये रहा ईयर ड्रम। जब आवाज हमारे ईयर ड्रम में पहुंचती है, जब आवाज बाहर से हमारे ईयर ड्रम में पहुंचती है, आवाज जब बाहर से हमारे ईयर ड्रम में पहुंचती है, जैसा मैं एरो से बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट होने लगता है, वाइब्रेट। ठीक है, नेक्स्ट, दिस द वाइब्रेशंस आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स विच ट्रेवल्स टू द ब्रेन थ्रू नर्व्स। ये वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है और ब्रेन तक पहुंच जाता है नर्व्स के थ्रू। ये वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होता है और ब्रेन तक पहुंचता है थ्रू नर्व्स। ठीक है, नेक्स्ट, आगे थ्रू नर्व्स। द ईयर कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, ईयर के 3 हिस्से हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। बाहर का कान, ये बाहर का कान है पिन्ना, मैंने कहा ये आउटर ईयर है पिन्ना। ठीक है, आउटर ईयर। फिर दूसरा कौन सा है, मिडल ईयर, मिडल ईयर, ये मिडल ईयर है। ऑलराइट, और थर्ड है इनर ईयर। तो देखते जाएंगे पहले एक एक, आउटर ईयर पहले देखते क्या है। द आउटर ईयर कलेक्ट्स द साउंड वेव एंड पासिस देम थ्रू अ ट्यूब टू अ कैविटी इन द मिडल ईयर। आउटर ईयर साउंड को कलेक्ट करता है और उसको एक कैविटी, एक ट्यूब से पास करता है मिडल ईयर को। ठीक है, इट पेक्यूलर फर्नल्स लाइक शेप हेल्प्स टू कलेक्ट एंड पास साउंड इन टू अ मिडल ईयर। तो आउटर ईयर, ये आउटर ईयर है, ये साउंड को कलेक्ट करता है और एक ट्यूब के थ्रू, ये ट्यूब है, ट्यूब के थ्रू मिडल ईयर तक पास करता है। ठीक है, ये ट्यूब है, रास्ता है ट्यूब जैसा, उधर से पास करता है। आउटर ईयर फनल के शेप का, आउटर ईयर फनल यानी ग्लास के जैसे शेप का है। नेक्स्ट, सो उसका इतना ही काम है, आउटर ईयर जो हमारा पिन्ना है उसका काम सिर्फ इतना ही है कि वो साउंड को कलेक्ट करता है और एक ट्यूब के थ्रू मिडल ईयर तक पहुंचा देता है, और उसका जो शेप है वो फनल की तरह है। फनल मतलब ऐसा शेप है, ठीक है, जो साउंड को अपने अंदर कलेक्ट करता है, फनल जैसा शेप है तो साउंड अंदर कलेक्ट होता है। नेक्स्ट, मिडल ईयर, ये ज्यादा है, मिडल ईयर के बारे में ज्यादा। इट देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन इन द कैविटी ऑफ मिडल ईयर कॉल ईयर ड्रम। एक पतला सा पर्दा है, मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं मिडल ईयर में, जिसको ईयर ड्रम कहते हैं। ईयर, मिडल ईयर में एक पतला सा पर्दा है, मेम्ब्रेन है, उसको कहते हैं ईयर ड्रम। When a compression of us in a sound wave reaches the eardrum, the pressure outside it increases and it gets pushed inward. जैसी compress air उसको दबाती है, वो eardrum अंदर,
देखो ईयर ड्रम ऐसा है, जब बाहर से कोई आवाज उसको कंप्रेस करती है तो वो ऐसा हो जाता है, और फिर रेयर इफेक्ट होती है तो वो ऐसा होता है। ईयर ड्रम आवाज उसको जब प्रेस करती है तो वो ऐसा हो जाता है, और फिर एयर जब रेयर इफेक्ट होती है तो वो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वाइब्रेशन, मतलब ये अंदर बाहर वाइब्रेशन होने लगता है ईयर ड्रम। सेम ढोल की तरह, ढोल पे आप एक बीट करो तो ढोल का पर्दा कैसा अप डाउन होगा, वैसा ही ड्रम। नेक्स्ट, व्हेन द कंप्रेशन इन अ साउंड वेव रीचेस द ईयर ड्रम, द प्रेशर आउटसाइड इट इंक्रीजेस एंड इट गेट पुश इनवर्ड। द अपोजिट हैपेंस व्हेन अ रेरिफैक्शन रीचेस देयर, जब रेरिफैक्शन पहुंचता है तब भी वैसा होता है। द प्रेशर आउटसाइड डिक्रीजेस एंड द मेम्ब्रेन गेट पुल्ड आउट, कॉम्प्रेशन के वक्त प्रेस्ड इन और रेरिफैक्शन के वक्त यहाँ पे प्रेशर कम होता है तो पुल्ड आउट। ऑलराइट, थर्ड साउंड वेव्स कम कॉजेज वाइब्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन, और इसकी वजह से साउंड वेव से वाइब्रेशन होता है मेम्ब्रेन का। ये मिडल ईयर का काम है। सो एक्सटर्नल ईयर यही है सिर्फ इतना, आउटर ईयर सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा आउटर ईयर है जिसमें मैं पेन घुमा रहा हूँ, ये मेरा आउटर ईयर है। ऑलराइट, आउटर ईयर, और ये पार्ट मेरा मिडल ईयर है, ईयर ड्रम वाला मिडल ईयर। अब इनर ईयर क्या है? द ऑडिटरी नर्व्स कनेक्ट द इनर ईयर टू द ब्रेन। इनर ईयर को ब्रेन से कौन कनेक्ट करता है? नर्व्स, नर्व्स, और वो नर्व्स का नाम है ऑडिटरी नर्व्स, आवाज वाला, आवाज सुनने वाले नर्व्स। द इनर ईयर हैज अ स्ट्रक्चर रिजेम्बलिंग द शेल ऑफ अ स्नेल। इनर ईयर में एक स्नेल, स्नेल का जो कवच रहता है उसके जैसा स्ट्रक्चर है। देखो स्नेल के कवच जैसा स्ट्रक्चर, स्नेल होता है ना जो स्लो चलता है ऐसा शेप का स्नेल, गोल सा ऐसा कुछ रहता है स्नेल। ठीक है, तो शिम्पली शिप्पी ऐसा कुछ कहते हैं, इसके अंदर स्नेल होता है जिसके दो ऐसे एंटीनाज होते हैं, तो वैसा इसका स्ट्रक्चर है। ये स्नेल नहीं है, स्नेल के जैसा स्ट्रक्चर, स्नेल के शेल, ये स्नेल का शेल है तो इसका स्ट्रक्चर स्नेल के शेल की तरह होता है, ऐसा लिखा है। ठीक है, द इनर ईयर हैज अ स्ट्रक्चर रिजेम्बलिंग, रिजेम्बलिंग मतलब सिमिलर टू द शेल ऑफ द स्नेल, इट इज कॉल्ड दी कोकली, इसको कहते हैं कोकली। ठीक है, द कोकली रिसीव्स द वाइब्रेशन कमिंग फ्रॉम द मेम्ब्रेन एंड कन्वर्ट्स देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यहाँ पे जो वाइब्रेशन आता है डियर ड्रम का, वो यहाँ पे कलेक्ट होता है और ये उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। ये जो स्नेल के शेल जैसा स्ट्रक्चर है कोकले, ये ईयर ड्रम से आने वाले वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। दिस इज इनर ईयर, ये पूरा इनर ईयर है। ऑलराइट, सिग्नल्स विच आर सेंड टू ब्रेन थ्रू दी नर्व्स, और जो फिर ब्रेन तक पहुंचाया जाता है नर्व्स के थ्रू। द ब्रेन एनालाइजेस द सिग्नल, और ब्रेन पहचानता है क्या सिग्नल है, मतलब क्या आवाज है वो। सो बाय दैट आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। बहुत ईजी चैप्टर है, मैंने इको और वो एक्सप्लेन करने थोड़ा ज्यादा टाइम इसलिए लिया क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है इको और सोनार, और सोनोग्राफी इजी था इसलिए उसको थोड़ा कम टाइम दिया। सोनोग्राफी और ह्यूमन ईयर इजी टॉपिक है, थोड़ा कम टाइम लिया, और इको इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है, इसके लिए थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है इको और सोनार में। कुछ बच्चे कंप्लेन करते सर वीडियो बहुत लेंदी है, तो एक्सप्लेनेशन जितना बोलते ना, एक्सप्लेनेशन जितना डीप में करना पड़ेगा उतना वीडियो लेंदी होगा, शॉर्ट में करेंगे समझेगा नहीं, डिटेल में करेंगे समझेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो को शेयर जरूर करो, शेयर द वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, चाहे अच्छा लगे ना लगे शेयर कर दो। ऑलराइट, ताकि हो सकता है किसी और को अच्छा लगे। सम्स, लेट डू, ये कुछ सम्स कर लेते हैं, वैसे सम्स इजी है और क्वेश्चन आंसर्स है। एक अगले वीडियो में आई विल ट्राई टू मेक सम्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, थैंक यू।